मुसीबत में फंसे लोगों की मदद और इंसानियत की सेवा में जुटे डेरा सच्चा सौदा का राहत अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए एक बार फिर से राहत सामग्री की तीसरी खेप सिरसा से रवाना की गई। राहत सामग्री की इस खेप में इस बार प्रभावित इलाकों को सामान तो भेजा ही गया, साथ ही साथ पशुओं का चारा भी भेजा गया, जिसे डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरी झंडी दिखाई। 7 ट्रकों में भेजे गए इस पशु चारे को हरिद्वार के लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इससे पहले भी डेरा सच्चा सौदा ने 4 ट्रक पशु चारा उत्तराखंड के लिए भेज दिया था। इसके बाद जुलाई महीने में राहत सामग्री के 33 कैंटर और डॉक्टर्स की 15 सदस्यीय टीम भी भेजी गई थी। वहीं मीडिया से बात करते हुए संत गुरमीत राम रहीम जी ने बताया कि उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से पशु चारे के अभाव में दम तोड़ रहे थे, जिसके बाद पशुओं को चारा भेजने का फैसला किया गया। शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर एसोसिएशन के विंग के सेवादार इस पशु चारे को प्रभावित इलाकों में बांटेंगे। भेजा जा रहा है और वहाँ पे ये कहा गया कि जी हमें जरूरत है इसी पशु चारे की बहुत ज्यादा। गौएं या वहाँ जितने भी पशु हैं तो भूख की वजह से मर रहे हैं, तो इस वजह से वहीं पे भेजा जा रहा है। यहाँ जरूरत होगी वहाँ तक ये ट्रक जाए। हमारे ख्याल से कुदरत से छेड़छाड़ हमेशा इंसान को महंगी पड़ी है और पड़ती रहेगी। जब तक ये उससे छेड़छाड़ करेगा, उसका सहयोग करेगा, तो भगवान भी सहयोग करते हैं। तो इसलिए कुदरत से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। ये बताएगा उत्तराखंड के हरिद्वार के जिले लक्सर खानपुर में ये पशु चारा बांटा जाएगा और वहाँ कि यहाँ के 20-30 सेवादार जा रहे हैं और वहाँ भी स्थानीय सेवादार मिलके जगह जगह ये बांटेंगे जी। अभी उनसे बात चल रही है वहाँ के स्थानीय लोगों से, जिम्मेवारों से, कि वहाँ मकान बना के बनाने में पूरा सहयोग देंगे और बना के भी अगर देने पड़े तो उसके लिए भी ब्लॉक तैयार है। हमने ब्लॉकों से बात की थी तो वहाँ टीमें जैसे अभी जे जा रही हैं तो वहाँ जाके पूरा जायजा लेंगे और क्या हो रहा है वहाँ, कैसे मतलब वो संभव है, तो जरूर उसमें भी सहयोग देंगे। गुरु जी महाराज ने पहले भी उत्तराखंड के लिए राहत पीड़ितों के लिए 33 ट्रक सामग्री भेजी थी। पहले उससे पहले 60 ट्रक पहले पशु चारा की डिमांड थी, अभी लोगों की पशु चारों की डिमांड थी, अभी 60 ट्रक गुरु जी ने अभी आज झंडी देके 60 ट्रकों को पशु चारों पशुओं के लिए रवाना किया है। खाद्य सामग्री आज तो नहीं है लेकिन चल रहा है, वहाँ टीमें गई हुई है। आश्रम तरफ जैसे भी आता है गुरु जी का संदेश वैसे ही होगा।